चैप्टर चल रहा था डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस, इसके अंदर हमने ये जो हमारा पोटेंशियल वेल था इसके अंदर पार्टिकल के मोशन को पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि जो हमारा पोटेंशियल वेल है उसके अंदर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम देख रहे थे, जहां पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा, पोटेंशियल वेल के अंदर पार्टिकल का जो मोशन है वो कैसा होगा, SHM होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। और हमने डिफाइन किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन को। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या होगी कि संतुलन बिंदु के इधर उधर सरल रेखीय पथ पर कण की वह गति जिसमें प्रत्यानयन बल जो होगा वो क्या होगा, उसके विस्थापन के समानुपाती होता है, और उस प्रत्यानयन बल की जो दिशा होती है वो किसकी ओर होगी, संतुलन बिंदु की ओर होगी। यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, और उस रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट की ओर होगी। और इस प्रकार का जो मोशन है वो क्या कहलाता है, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में हम निकालते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारी इक्वेशन क्या आती है, और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के एक्सप्रेशन क्या आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन क्या आते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि सरल आवर्त गति करने वाला कण या निकाय जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है वो पार्टिकल या जो हमारा सिस्टम होगा क्या कहलाएगा, ओसिलेटर कहलाता है। कण या निकाय सरल आवर्ती दोलक सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर कहलाता है। इस प्रकार हमने देखा कि पोटेंशियल वेल के अंदर जो मोशन था वो कैसा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसी होगी, U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं सरल आवर्त गति के लिए, सरल आवर्त गति के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी यू एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और फोर्स इक्वल टू क्या होगा, एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो फोर्स का मान आ जाएगा माइनस का के एक्स। ये कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, और के क्या कहलाता है, फोर्स कांस्टेंट कहलाता है, यहां पर एक नियतांक है, ठीक है, इसे रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल कहते हैं। और इस रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट के और होगी, उसकी टुवर्ड्स होगी, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब हम बात करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसके लिए इक्वेशन क्या आती है, इक्वेशन ऑफ SHM। तो ये हमारी डेफिनेशन थी, ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वही है। तो इक्वेशन ऑफ SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का गति का समीकरण यानी सरल आवर्त गति समीकरण हमारा क्या आएगा। तो हम मानते हैं कि हमारा जो m द्रव्यमान का एक पार्टिकल है, m द्रव्यमान का कण क्या करता है, यहां पर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट के दोनों क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है।
सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है वो, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है साम्य अवस्था से इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो क्या है, एक्स नोट है। उसका विस्थापन किसी समय टी पर, किसी टाइम टी पर उसका विस्थापन कितना है, एक्स नोट है, तथा एक्सेलरेशन डी टू एक्स नोट अपॉन डी टी टू है। ठीक है, यहां पर हमारा जो पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स है, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स नॉट उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। तो और उसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू है। तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, उसका मान क्या होगा, एफ इक्वल टू एम डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। तो एफ इक्वल टू एम डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। और यहाँ पर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर फोर्स कार्य करता है वो क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल एफ इक्वल टू माइनस का के एक्स, तो यह आ जाएगा एम डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इक्वल टू माइनस का के एक्स। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का के अपॉन एम इंटू एक्स। तथा माना ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन एम। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ओमेगा नोट स्क्वायर इंटू एक्स, या डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन है वो क्या कहलाती है, एस एच एम कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन कहलाती है। हम लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण एस एच एम समीकरण, एस एच एम इक्वेशन कहलाती है। तो ये हमारा आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। फोर्स का मान हम रख देंगे एफ इक्वल टू एम ए होता है हमें पता है, और एक्सीलरेशन हमारा डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, और इसका मान रख करके रिस्टोरिंग फोर्स का मान रख करके हम इसको निकाल सकते हैं। इसको लिखो फिर हम निकालते हैं वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम बात करें वेलोसिटी की। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे लेना। पास में जो इक्वेशन आई है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो इक्वेशन है उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसके विस्थापन का मान, एक्स नोट का मान, और वेलोसिटी का और एनर्जी का, इन सब का एक्सप्रेशन हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें वेलोसिटी की। समीकरण एक को दोनों तरफ, या समीकरण एक को dx अपॉन dt से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करें हम इक्वेशन वन को dx अपॉन dt से, तो हमारी इक्वेशन वन क्या थी, d2x अपॉन dt2, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं dx अपॉन dt से,
इक्वल में क्या आएगा, माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, यह आ जाएगा डीएक्स अपॉन डीटी। तो यहां से अपने पास में आ गया डीएक्स अपॉन डीटी इक्वल टू क्या होगा, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हमारे पास में क्या आ जाएगा वेलोसिटी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वी डीवी अपॉन डीटी इक्वल टू माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन डीटी। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई वी डीवी इक्वल टू माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो ये बन जाएगा वी डीवी इक्वल टू माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स। इसको हम इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर और एक्स का क्या आ गया एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस का सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो वी स्क्वायर बाय टू माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस का सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहां पर हमारे पास में इस सी का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, समाकलन नियतांक सी का मान ज्ञात निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट को। तो ये जो हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा ये हमारी जो वेलोसिटी है v, हमें पता है कि अधिकतम विस्थापन या अधिकतम जो हमारे पास में वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा या जो मैक्सिमम हमारा एम्पलीट्यूड है इस कंडीशन में क्या रहेगा x इक्वल टू a के लिए। ठीक है, इसका मान क्या होगा v का मान 0 होगा। इस प्रकार से जो हमारा पोटेंशियल वेल था तो हमें पता है कि जो अधिकतम विस्थापन वाली स्थिति है यानी ये जो हमारी एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम, यहां पर क्या रहेगा कि v का मान 0 होगा क्योंकि यहां पर हमारी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी मैक्सिमम थी। तो हम ये मान सकते हैं कि यहां पर v का मान क्या हो 0 हो। तो हम लिख सकते हैं अधिकतम विस्थापन, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल वापस नीचे की ओर आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, जो हमारी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली कंडीशंस है, यहां पर क्या रहेगा इसका मान 0 होगा वेलोसिटी का। अधिकतम विस्थापन या आयाम की अवस्था x इक्वल टू ए के लिए क्या हो जाएगी वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी यहां पर 0 होगी तो हम लिख सकते हैं 0 इक्वल टू माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट, एक्स की जगह क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस का सी। तो सी का मान आ गया ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और सी का मान हम इस इक्वेशन में रख दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। लिख लो इसको, यहां तक हो गया। तो सी का मान हम इक्वेशन टू के अंदर रखें तो हमारे पास आ जाएगा समीकरण 2 से वी स्क्वायर बाय टू इक्वल टू माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस का ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
और v इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा नोट रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आ गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इसके लिए सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर के लिए। सरल आवर्ती दोलक जो है उसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, ओमेगा नोट रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विस्थापन क्या होगा। यहां से हम निकाले डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट हमारा जो x है उसका मान हम कैसे निकाल सकते हैं, v इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन dt। तो v इक्वल टू dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt इक्वल टू हमारा v का मान क्या है ओमेगा नोट रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर हम इसको इंटीग्रेट कर लें और एक्स का मान ज्ञात कर लें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डीएक्स अपॉन डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन और ये ओमेगा नोट स्क्वायर ओमेगा नोट का स्क्वायर नहीं है ओमेगा नोट डी टी और इसके अपॉन में हम ले लेंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया अपने पास में dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ओमेगा नोट के साथ में क्या आ गया डी टी आ गया। तो dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हमारा किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए का। तो यहां पर हम लिख दें साइन इनवर्स एक्स बाय ए इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस फाई। यहां पर हमने कॉन्स्टेंट क्या ले लिया, फाई ले लिया। तो एक्स बाय ए का मान क्या हो गया ओमेगा नोट टी प्लस फाई साइन ओमेगा नोट टी प्लस फाई। तो एक्स का मान आ जाएगा ए साइन ओमेगा नोट टी प्लस फाई। ये क्या कहलाता है, विस्थापन का समीकरण इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है जहां पर ए क्या है एम्पलीट्यूड है। तो यहां पर आ जाएगा अपना उपरोक्त समीकरण विस्थापन का समीकरण कहलाता है। जहां ए हमारा एम्पलीट्यूड है आयाम है। तो ये हमारी क्वेश्चन आती है डिस्प्लेसमेंट के लिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा नोट टी प्लस फाइव होगा और उसकी जो वेलोसिटी है वो ओमेगा नोट रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगी। अब हम इसके लिए टाइम पीरियड और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मान ज्ञात करेंगे। इसको लिखो इसका हम टाइम पीरियड निकालें। तो यहां पर हमारा टाइम पीरियड क्या आएगा,
टाइम पीरियड क्या कहलाता है? जो हमारा ऑसिलेटरी मोशन है या पीरियडिक मोशन की हम बात करें तो जब पार्टिकल जो होगा वो जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया वापस अपने उस पॉइंट पर आ जाता है, जितने टाइम के अंदर वो अपने पाथ को यहाँ पर कंप्लीट करता है वो उसका क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड कहलाएगा। यानी एक निश्चित समय अंतराल के बाद में क्या करेगा? वो अपने मोशन को रिपीट करता है। इसी प्रकार यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन के अंदर क्या होगा कि एक फिक्स टाइम के बाद में वो क्या करेगा? अपने इस पाथ को रिपीट करेगा, अपने मोशन को रिपीट करेगा, और वो मोशन वो टाइम उसका क्या कहलाता है? टाइम इंटरवल उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो टाइम पीरियड हम निकालते हैं कि हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल टू a साइन ओमेगा नोट t प्लस फाइव है, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a साइन ओमेगा नोट a साइन ओमेगा नोट t प्लस फाइव। तो यहां पर x इक्वल टू a साइन ओमेगा नोट t प्लस फाइव, इसके अंदर हमें पता है कि जब साइन हमारा एंगल होता है इसमें अगर हम 2 पाई के जो हमारे गुणज है मल्टीपल्स हैं उनको अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हम लिखें कि चूंकि साइन ओमेगा नोट टी प्लस फाइव प्लस 2 पाई, यानी हम 2 पाई 4 पाई जो भी ऐड करते हैं वो क्या रहेगा? सेम ही रहता है साइन के अंदर मान। तो साइन के अंदर इसके 2 पाई की मल्टीपल्स को ऐड करने पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर हम इसको 2 पाई ऐड करके लिख सकते हैं। तो यहां पर अपने पास में वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू a साइन ओमेगा नोट t प्लस का 2 पाई प्लस 5। तो यह आ जाएगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा नोट t प्लस 2 पाई प्लस 5। तो ओमेगा नोट t प्लस का 2 पाई प्लस 5, इसमें से हम ओमेगा नोट को कॉमन ले लें तो t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा नोट, और यह आ जाएगा प्लस का 5। तो यहां से अपने पास में a साइन ओमेगा नोट t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा नोट प्लस का 5। तो इसके लिए हम इसको मान लेते हैं कि माना t डैश इक्वल टू t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा नोट। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू a साइन ओमेगा नोट t डैश प्लस 5, x इक्वल टू हो गया a साइन ओमेगा नोट t डैश प्लस 5। तो यहां से हम देख सकते हैं कि t इक्वल टू 2 पाई के बाद में वापस हमारा जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आती है वो सेम ही आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस 2 पाई टाइम इंटरवल यहाँ पर जो हमारा निकला है इसके बाद में क्या हो गया? ये विस्थापन जो है वो सेम आ रहा है। तो ये जो टाइम होगा अपना, इनका जो टाइम डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले 2 पाई के पूर्ण गुणज जो थे उनको ऐड किया, क्योंकि साइन के अंदर हमारे यहाँ पर लिख लेना कि चूंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन 4 पाई प्लस थीटा, ये इक्वली होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या कर दिया? 2 पाई को ऐड कर दिया और फिर इसको हमने कॉमन ले लिया। अब इस टी डेज टाइम को जो हमने डिफाइन किया है इसके बाद में वापस से क्या हो रहा है? वही मोशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास में जो चूंकि टी डेज समय पर भी दोलक का विस्थापन पुनः एक्स के इक्वल होता है x के बराबर होता है, अतः t डैश माइनस t क्या कहलाएगा? समय अंतराल t डैश माइनस t आवर्तकाल होगा, टाइम पीरियड होगा।
यानी इस टाइम के बाद में वापस से क्या होगा, उसका मोशन जो है वो रिपीट होगा। तो यहां से अपने पास में आ गया कि टाइम पीरियड जो है वो टी इक्वल टू टी डेज माइनस टी। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डेज का मान हम रखें टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा नोट माइनस का टी, तो टी से टी कैंसिल, तो ये आ गया 2 पाई बाय ओमेगा नोट। और जो हमारा ओमेगा नोट था उसका मान क्या था, ओमेगा नोट इक्वल टू रूट के अपॉन एम था, क्योंकि ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या माना था, के अपॉन एम को माना था। तो उसकी वैल्यू हम रखें, तो यहां से अपने पास में टी इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा नोट, और ओमेगा नोट का मान टी इक्वल टू 2 पाई रूट के अपॉन एम, तो यह आ जाएगा रूट एम अपॉन के। ये हमारा क्या आ गया, टाइम पीरियड का मान आ गया। ठीक है, इस टाइम पीरियड के बाद में जो हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो अपने मोशन को क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की। तो नेक्स्ट हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि जो हमारा पार्टिकल है उसको जो हमारी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे हम डिस्प्लेस करते हैं, तो जो हमारा किया गया कार्य होगा, वर्क डन होगा, वो क्या होगा, इससे पोटेंशियल एनर्जी की रूप में क्या होगा, स्टोर होगा। यानी हमारा जो पार्टिकल है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है संतुलन अवस्था पी, उससे अगर हम इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, प्रत्यानयन बल के विरुद्ध उससे क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, जो किया गया कार्य है वो किसके रूप में होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। जो वर्क डन है वो उस स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी के वृद्धि के बराबर होगा, इंक्रीमेंट के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है जब पार्टिकल को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, वो क्या होगा, इस वर्क डन के रूप में होगा। तो हम लिख सकते हैं W इक्वल टू एफ डी एक्स। W इक्वल टू क्या होता है, एफ डी एक्स होता है, जो वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, एफ डी एक्स होगा, और डब्ल्यू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एफ डी एक्स लिख सकते हैं। तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी इक्वल है, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, और यहां पर जो वर्क डन हो रहा है वो क्या हो रहा है, इस फोर्स के अगेंस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का होगा, यहाँ पर माइनस का एफ डॉट डी एक्स होगा, क्योंकि इसमें जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उसके विरुद्ध क्या होगा, विस्थापन होगा। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि यू एक्स जो होगा वो 0 to x उसको विस्थापित कर रहे हैं, और ये विस्थापन अपोजिट होगा रिस्टोरिंग फोर्स के। तो यू इक्वल टू माइनस का एफ डॉट डी एक्स, तो यू का मान कितना आ जाएगा, इसको अगर हम du लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं u माइनस यू नोट इक्वल टू माइनस का 0 to x एफ डी एक्स, और u माइनस यू नोट, यू नोट क्या है हमारी, जो उसकी पोजीशन थी न्यूनतम ऊर्जा वाली स्थिति, ऊर्जा वाली जो उसकी स्थिति है वो वाली ऊर्जा है, तो उसको अगर हम 0 माने, हम मान लें कि मिनिमम जो एनर्जी है, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा यू नॉट इक्वल टू 0,
तो यहां से ये क्या आ जाएगा, u माइनस u नॉट, u नॉट इक्वल टू जीरो है, तो u इक्वल टू आ जाएगा माइनस का, और f का मान क्या था, माइनस का के एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस का k, और x डी एक्स जीरो टू x, तो पोटेंशियल एनर्जी का मान हमारे पास में आ गया u इक्वल टू k एक्स स्क्वायर बाय टू, और जीरो टू x क्या था, डिस्प्लेसमेंट, तो u इक्वल टू हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। x का मान हम रख दें, x इक्वल टू क्या है अपना, u इक्वल टू हाफ के, x का मान क्या था, x इक्वल टू a साइन ओमेगा नोट t प्लस फाइव, तो यहां से आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नोट t प्लस फाइव पोटेंशियल एनर्जी का मान। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करेगी, इसका मान मिनिमम और मैक्सिमम हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो यहां पर मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ओमेगा नोट टी प्लस फाइव, यानी हमारा जो ओमेगा नोट टी प्लस फाइव जो है वो क्या हो, जीरो पाई टू पाई आदि होगा, तब तो साइन का मान क्या होता है, मिनिमम होता है वहां पर, तो साइन का मान उस कंडीशन में मिनिमम होगा यानी जीरो होगा, तो यू का मान क्या हो जाएगा, जीरो होगा न्यूनतम, और जब ओमेगा नोट टी प्लस फाइव इक्वल टू क्या हो, पाई बाय टू थ्री पाई बाय टू इस तरह से अपना होगा, पाई बाय टू अगर होगा तो क्या आ जाएगा यहां पर, u इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, उस टाइम पर क्या रहेगा, वन हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या होगी इसकी, हाफ के का मान क्या है, ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू क्या था, के अपॉन एम, तो के क्या हो गया, एम ओमेगा नोट स्क्वायर, तो यहां से ये वैल्यू आ गई एम ओमेगा नोट स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये क्या है इसकी अधिकतम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का मान, और पोटेंशियल एनर्जी का मान हम देख सकते हैं कि जीरो से हाफ एम ओमेगा नोट स्क्वायर ए स्क्वायर के बीच में क्या करेगा, वेरी करेगा, यानी ये इतना होगा और फिर यहां तक जाएगा, फिर वापस से कम और फिर मैक्सिमम होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हम कैसे निकालेंगे, कि जो हमारा पार्टिकल है उसको हमने रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो उसका जो वर्क डन होगा, किया गया कार्य जो होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी में वो इंक्रीमेंट के इक्वल होगा, वृद्धि के बराबर होगा, और फिर हम W इक्वल टू हमारा क्या होता है, एफ डी एक्स होता है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि फोर्स के अगेंस्ट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फिर डी यू इक्वल टू माइनस का एफ डी एक्स, और एफ की वैल्यू रख करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके दो मान हमारे पास में यहाँ पर आ रहे हैं, एक तो जीरो उसकी मिनिमम वैल्यू और उसकी मैक्सिमम वैल्यू, इनके बीच में वो क्या करेगी, ऑसिलेशन करेगा हमारा जो पार्टिकल है, ठीक है, इसको लिखो। तो यहां पर पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में, और यहां पर वेरी कर रही है पोटेंशियल एनर्जी, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज एनर्जी निकाल सकते हैं, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, माध्य स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं जीरो से टी टाइम पीरियड में, क्योंकि जीरो से टी टाइम पीरियड के बीच में ये क्या हो रहा है, जीरो से जो हमारा टी टाइम पीरियड है ये इससे इस वैल्यू से यहां तक वेरी कर रही है, तो इसके लिए हम निकाले इसकी माध्य ऊर्जा।
माध्य स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? माध्य स्थितिज ऊर्जा हम क्यों ज्ञात कर रहे हैं? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का जो मान है, स्थितिज ऊर्जा का मान 0 से टी टाइम पीरियड में, या हम लिख सकते हैं कि टी टाइम पीरियड में, टी आवर्तकाल में 0 से 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर तक क्या करता है? ये वेरी करता है, परिवर्तित होता है, होता है। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे? इसकी एवरेज वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे, होता है। अतः माध्य स्थितिज ऊर्जा एवरेज ऑफ यू, ये वाला जो हम साइन लगा रहे हैं वो किसके लिए लगाते हैं? एवरेज के लिए, माध्य के लिए। तो जो हमारी माध्य स्थितिज ऊर्जा आ रही है वो क्या आ जाएगी? 0 to t कितने टाइम पीरियड के अंदर? टी टाइम पीरियड के अंदर हम इसको निकाल रहे हैं, और इसकी जो वेरी हो रहा है वो कितने टाइम पीरियड में होगा? 0 to t टाइम पीरियड में। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 1/t 0 to t du/dt, यानी ये वाला मान हमारा कितना हो गया? 0 to t du/dt। ये तो हमारे पास आ जाएगा कि जितना इसमें वेरिएशन आ रहा है डिवाइड कर देंगे हम इस टाइम पीरियड के पीरियड से, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? एवरेज एनर्जी का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम मान रख दें du का, तो एवरेज ऑफ u इक्वल टू 1/t 0 to t du/dt या u/dt, ठीक है, क्योंकि du तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये u/dt हमारे पास में है, u का हमने मान रखा 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, इसके अंदर हम k की जगह क्या रख रहे हैं? m ओमेगा नॉट स्क्वायर रख रहे हैं। तो यह आ जाएगा 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 5। यह आ गया अपना, इसको हम इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा? 1/t 2, इसको 1/2 को और m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर को हम बाहर ले लें, तो 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 5। इसका मान हमारे पास में क्या आएगा? इसकी वैल्यू हमारे पास में आएगी t/2। इसको आप लोग सोल्व करके देख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन जब हम सोल्व करेंगे तो मान आएगा t/2। ये जो हमारा इंटीग्रेशन है 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा नोट टी प्लस 5 dt, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 cos 2 θ हमारा क्या होता है? 1 - 2 sin² θ। तो 2 sin² θ को हम क्या लिख सकते हैं? 1 - cos 2 θ, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - cos 2 θ/2। तो यह आ जाएगा 1 - cos 2 θ, थीटा क्या है यहां पर? ओमेगा नॉट टी प्लस 5 / 2 dt। तो इस 1 का हमने किया तो 1/2, और इसका हो जाएगा टी, 0 to t लिमिट। फिर हमने किया कोस का, हमने किया तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन होगा, साइन 2 ओमेगा नॉट टी प्लस 5 / 2 ओमेगा नोट, और लिमिट क्या है? 0 to t। तो इसके अंदर जब हम 0 to t और 0 लिमिट रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो साइन है, साइन ओमेगा नोट टी प्लस 5, ओमेगा नोट टी, टी इक्वल टू क्या है? 2π/ω0 है। तो यहां से अपना ओमेगा नोट से ओमेगा नोट कैंसिल, और ये हो जाएगा साइन
ओमेगा नोट, तो ये हो जाएगा 2π+5, ठीक है। और ये हमारा रहेगा साइन, जब ओमेगा नोट यानी टी हमने 0 रखा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 2π, ठीक है। और हमें पता है कि साइन 2π+5 यानी 2π 4π अगर हम ऐड करते हैं तो मान वही होता है, तो ये भी दोनों इक्वली होंगे दोनों वैल्यूज, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये पूरा 0 हो गया यहाँ पर अपना, और वैसे भी साइन 2θ है यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो गई 0 हो गई। तो ओनली ये वाला मान बचा, तो ये आ जाएगा T/2। ये T/2 अपना आ रहा है, और यहाँ पर बाहर क्या है इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है T/2, तो यहां से 1/T 1/2 एम ओमेगा नोट स्क्वायर ए स्क्वायर 2π/ओमेगा नोट T/2 रख देते हैं यहां पर, तो टी से टी कैंसिल और ये बन गया 1/4 एम ओमेगा नोट स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हमारे पास में किसका मान आया है, एवरेज ऑफ यू का मान। एवरेज ऑफ यू यानी माध्य स्थितिज ऊर्जा, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना आ गया, 1/4 एम ओमेगा नोट स्क्वायर ए स्क्वायर। इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का मान। काइनेटिक एनर्जी भी हमारी जो होती है वो क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर होगी। वी का हम मान रख देंगे, वेलोसिटी का हमारे पास में मान है, और उसके अंदर भी हम देखेंगे कि जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी है वो भी 0 से अधिकतम मान तक क्या करेगी, वेरी करेगी, ठीक है। तो वी का मान रखकर के हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, और फिर उसके लिए भी हम ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ऑफ के का मान हम ज्ञात करेंगे, और फिर जो हमारी टोटल एनर्जी आएगी वो क्या हो जाएगी, K+U यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करते हैं।